कोई कोई कस्टमर जो है ना वो इसी के लायक रहते हैं, पर वो ज्यादा ही शाणा हो रहा था, तो उसने मेरा कंप्लेंट किया। सिर्फ मुंह से मेरे गालियां निकल जाएगी ना, मतलब ऐसा अगर कोई कस्टमर कर रहा है तो भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये सब एरिया जो है ना वो उलवे के अंदर ही आता है। पूरे समंदर के सामने गाड़ी पार्क करूंगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ऑलमोस्ट 9 बजने आए हैं, जैसे ही लॉग इन किया ना वैसे ही जो है ना ये ट्रिप मिली है मुझे। शुरुआत जो है ना काफी अच्छी दिख रही है। सर्च में बुकिंग मिली है, सबसे पहली बुकिंग ही ले ली है मैंने। कैंसिल तो होगी नहीं अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना मैं पहुंचने आया हूँ रीच। इस लास्ट वाले जो वीडियो में है ना भाई, बहुत ही अच्छी अच्छी कमेंट्स आई है गाइस। थैंक यू सो मच के आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो, इतना अच्छा पसंद आ रहा है आप लोगों को कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, या फिर जिस तरह से भी आप मेरे व्लॉग को पॉजिटिवली ले रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। भाई एक घंटा हो गया है बंद पड़ा हुआ था सीएनजी का ट्रक, ये दूसरे ट्रक की वेट कर रहे थे भाई, यहाँ पे खड़ा था। सो अभी गया, अभी ये ट्रक आएगा, ये ट्रक लगेगा भाई, देखो पीछे आ रहा है, ये ट्रक लगेगा यहाँ पे, उसके बाद प्रेशर बनेगा भाई। एक घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। सब अपने ड्राइवर भाई लोग देखो इधर खड़े धक्का मारने के लिए, आधे तक तो धक्का मार के लाए, फिर ये दूसरे ट्रक की चाबी डाल दी ना उसमें, तो भाई हो गया चालू। तीसरी गाड़ी थी इसके लिए रुका, और जैसे नंबर आने वाला था वैसे इसका सीएनजी खत्म हुआ, ट्रक बंद हो गया, उसी के चक्कर में लफड़ा हो गया। सो सीएनजी हो गया फुल, कितने में हुआ ये फुल? 450 रुपए में भाई, बहुत ही अच्छा प्रेशर था। मुझे है ना हंसी भी आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि भाई अपना जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होना भी जो है ना वो खुद के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाता है। सो ऐसा हो गया भाई, इतना एक्सट्रीमली बैड एक्सपीरियंस हुआ है ना वो कस्टमर वाला, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा रहेगा, जो वॉमिटिंग करके जो है ना वो गया है गाड़ी में। और भाई मतलब कस्टमर को लगता है कि हम लोग है ना ड्राइवर लोग जो है ना मतलब वो है ना सी है करके, मतलब इतना अच्छा भी अपने को नहीं होना चाहिए भाई, सच बता रहा हूँ मैं। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से देखना चाहिए, उसमें जो है ना हम अपना जो है ना अपनी भावनाएं वो ला के रख देंगे कि यार नहीं यार छोड़ो यार, कस्टमर को लेट हो रहा है, कस्टमर को जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम है, कस्टमर को ज़्यादा गाई है, उसको पहले ड्रॉप कर देते, अपना प्रॉब्लम जो है ना हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। बट वो है ना सच में वो बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही देखना चाहिए। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा रहेगा जो गाड़ी में वॉमिटिंग करके गया, तो मतलब उसको लेट हो रहा था, दादर में मैंने गाड़ी रुकाई और उसको लेट हो रहा था, मैंने उसको पहले ही भिंडी बाज़ार में ड्रॉप किया, और ऐसा सोचा कि नहीं मैं ना गाड़ी की बात बाद में करता हूँ, पहले कस्टमर को ड्रॉप करता हूँ। बट वो कहीं ना कहीं मैं जो है ना वो गलत था, कस्टमर को जो है ना पहले गाड़ी रुका के पहले वॉशिंग सेंटर में लेके जाना चाहिए था कि भाई पहले गाड़ी वॉश करा उसके बाद जो है ना वो मैं आपको ड्रॉप करूँगा, आपको भी नहीं भाई तेरे को ड्रॉप करूँगा। भाई कोई कोई कस्टमर जो है ना वो इसी के लायक रहते हैं कि भाई उससे ना तू तड़क से ही बात करना चाहिए। मतलब हुआ क्या, मैं जैसे ही ड्रॉप किया कस्टमर को, मैंने 10:15 बजे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया नरीमन पॉइंट, और मैं देख रहा हूँ तो मेरा 200 रुपये जो है ना वो माइनस में चले गया। क्योंकि मैं सोच रहा था मैंने ना उस पर क्लिक किया फेयर एडजस्टमेंट पे, तो राइड में जो है ना वो वाले कस्टमर ने जो गाड़ी में वॉमिटिंग करके गया था, वो वाले कस्टमर वो ज़्यादा ही शाणा हो रहा था, उसने जो है ना उबर में, मैं उसको कंटिन्यू कल से कॉल कर रहा हूँ, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, गलती से रिसीव हो गया, तो मैं जैसे बोलता हूँ सर प्लीज़ ऊपर का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, तो वैसे ही हेलो 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 सुनाई नहीं दे रहा है और डिस्कनेक्ट कर रहा है कॉल, उसके बाद फ़ोन उठा नहीं रहा है। अभी जो उसने मेरा कॉल जो है ना वो ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया है, तो मैं जैसे ही कॉल कर रहा हूँ कॉल हो रहा है डिस्कनेक्ट। सो अभी ऐसे में आप मुझे बताओगे क्या करना चाहिए? उसने जो है ना कंपनी में कॉल किया ऊबर में और बोला कि ये बंदा जो है ना मेरे से जो फेयर बना है उससे एक्सेस अमाउंट मांग रहा है, तो ज़्यादा पैसा ये ड्राइवर मांग रहा है मुझसे, ऐसे करके उसने मेरा कंप्लेंट किया उबर ने। उसको जो उसने जो मुझे 200 रुपये जो है ना वो फेयर के साथ दिए हुए थे, उबर ने मेरा अकाउंट 200 रुपये माइनस में डाल दिया, वो 200 रुपये उसको दे दिया वापस। मतलब कि क्या बोलना चाहिए भाई, महान कस्टमर है, कस्टमर को कस्टमर की तरह ही ट्रीट करो भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। अदरवाइज जो है ना वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसे ही हो जाएगा। कोई कस्टमर है जो अपना व्लॉग देख रहे हैं तो भाई ये सबके लिए लागू नहीं होता है, ऐसे कुछ चुनिंदा कुछ सिलेक्टेड कस्टमर होते हैं जो मजबूर करते हैं हम लोगों को, उनको लगता है कि भाई ये पैसा जो है ना मतलब
मेरे पास शब्द नहीं है भाई, क्या बोलूं भाई। कस्टमर को लगता है कि ये लोग जो है ना, ये फोकट के पैसे कमा रहे हैं, विदाउट मेहनत के पैसे कमा रहे हैं, या फिर इनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, इनके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। कस्टमर को जब भी मैंने ड्रॉप किया मंडी बाजार, वहाँ पे मोहम्मद अली रोड के यहाँ पे, कस्टमर को मैंने क्लियरली बोला था, सर ये जो है ना वॉश करने के लिए कोई भी बंदा रेडी नहीं होगा, और अगर कोई रेडी होगा तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। वो खुद भी जो है ना भाई, उसकी लड़की ने जो है ना वो वॉमिटिंग की थी, वो बंदा या उसकी वाइफ, वो खुद भी जो है ना उसको हाथ लगाने के लिए रेडी नहीं थे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये लोग कर लेंगे और इनको पैसे भी नहीं देंगे। भाई मतलब ऐसे मुंह से मेरे गालियां निकल जाएगी ना, मतलब यार क्या बोलूँ यार। इनको ऐसा लगता है कि अपने टाइम की, मैंने उनको क्लियरली बोला था कि सर इसमें मेरा है ना पूरा 2-3 घंटा जाएगा, मेरे को यहाँ से घूमना पड़ेगा सब जगह, कोई इसको हाथ लगाएगा नहीं, हाथ लगाएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट मांगेगा, सब कुछ बोला था। ओके ओके, अरे मैं करता हूँ, आप मैं अभी 200 रुपया दे रहा हूँ, इवनिंग में आप मेरे को कॉल करो, अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। मरोल है जो अंदर की तरफ जो है ना, वो बोरी बोरी चर्च वगैरह कुछ तो एरिया है अंदर की तरफ, तो वहाँ से मैंने कस्टमर को पिकअप किया था, और वो वाइट ऑफ वाइट कपड़े में थे, वो कुछ तो सेमिनार था या कुछ तो उन लोग का जो है ना वो मीटिंग रहता है, तो उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ पे उनको लेट हो रहा था, उसी के लिए मैंने उनको, मतलब मैंने उनका रिस्पेक्ट करके, उनको अंडरस्टैंड करके, उनको टाइम पे पहुँचाया, और बाद में मेरी मूछ मार दी, ऐसा हो गया। बट भाई उनको लगता है कि ये लोग मतलब इनकी कोई सुनता नहीं है भाई, तो ऐसा नहीं है भाई। जैसे ही मैंने ऊबर में कॉल किया भाई, पहला ही कॉल अपना प्रायोरिटी पे कॉल लगता है, और भाई उनको जैसे ही मैंने बताया ये सिचुएशन, मतलब ना मैंने क्लियरली बोला कि भाई कस्टमर की साइड आप लोगों ने सुन ली, अभी मेरी साइड सुनो क्या हुआ। कस्टमर ने ये नहीं बताया रहेगा आपको कि भाई उन्होंने, उनके को पैसेंजर ने जो है ना गाड़ी में वॉमिटिंग की, या सब कुछ ऐसे है ना मैस करके चले गए, गाड़ी ख़राब करके चले गए। मैंने जो उनके पास से 200 रुपये लिए, वो वही अमाउंट है जो गाड़ी वॉश करने के लिए दिए, और मेरे पास उसका प्रूफ है, ये मेरा चैनल का नाम है, आप जाओ उस पर मैंने अपलोड किया हुआ है मेरा वीडियो। आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देखो, फोटो है मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है। कस्टमर केयर वालों ने क्या बोला कि सर हम लोगों ने आपसे, आपने जो बताया इतना काफ़ी है, ऑन द स्पॉट ऑन कॉल पे उसने मुझे 200 रुपये रिफंड किए वापस। और मैंने बोला अभी मैं, अभी कस्टमर ने जो है ना वो मतलब मेरे से भिड़ गया। अभी कस्टमर को ऐसा लगता है कि इन लोग की कोई सुनता नहीं, इन लोग की कुछ औकात नहीं है, इन लोग का जो भी है उसके मन में। मैंने क्या सोचा था कि इसका जो नंबर है ना, ये मैं है ना आप लोगों के साथ लाइव जो है ना वो शेयर करूँगा, और इसको बताऊँगा कि भाई सब लोग इसको कॉल करो और बोलो कि सर वो वॉमिटिंग किया था, उसका पैसा ज़रा ट्रांसफ़र कर दो करके, सिर्फ इतना ही बोलना था। बट ऐसा मैं करूँगा तो फिर उस पे और मेरे में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा ज़्यादा, 200 रुपये उसने दिए, 300 रुपये ले रहे उससे, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 300 रुपये में मैं कुछ अमीर नहीं बनने वाला, या वो शायद अमीर बन गया 300 रुपये में। उसको वो मैं समझ गया कि उसका माइंडसेट कैसा रहेगा, भले वो अच्छी जगह पे रहता होगा, बट उसका माइंडसेट समझ में आ गया मुझे कि कितना छोटा माइंडसेट है उसका। 300 रुपये जो वो लेके बैठा है ना, वो 300 रुपये की जगह पे उसका जो है ना वो 3 लाख से लेके 3 करोड़ का, भले वो जितना ज़्यादा अमीर रहेगा उतने उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो है ना वो उसका जो है ना वो जाने वाला है, कहीं ना कहीं तो जाने वाला है, क्योंकि ये कर्मा है, आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा होता है, ये रूल है लाइफ का, और शायद उसको ये रूल पता नहीं है, बट ठीक है, जब भी उसके साथ होगा तभी वो कहीं ना कहीं उसको याद आएगा कि ये चीज़ उसने किसी के साथ गलत की थी, जो उसके साथ अभी ये हो रही है। ये टॉपिक मैं ना वहीं पे क्लोज करने वाला था, लास्ट वाले ब्लॉग में जो मैंने बताया, मैं इसको जो है ना वो ज़्यादा खींचने वाला नहीं था, बट अभी उसने ज़्यादा खींचा है, अभी मैं उसको कंटिन्यू कॉल करने वाला हूँ। मैंने उबर में भी बता दिया कि मैं अभी, मेरा अभी मैं वो 300 रुपये छोड़ने वाला ही था, वैसे भी वो छोड़ा हुआ ही है, बट अभी मैं ना, उसने जो है ना, इसमें क्या हो सकता था मैं आपको बताता हूँ, अगर उबर ने जो है ना वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया रहता, मतलब तो क्या हो सकता था, मेरा आईडी शायद परमानेंटली बंद हो सकता था, मेरी 2 गाड़ी जो है ना वो परमानेंटली ब्लॉक हो सकती थी, मतलब जिसके भरोसे पे हम लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा सीर हो सकता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, इतनी लॉयल्टी से काम कर रहे हैं 6-7 सालों से उबर के साथ, प्रॉपर ईमानदारी से जेन्यून तरीके से काम कर रहे हैं, अभी तक ऐसा फॉल्ट या ऐसी कंप्लेंट कभी आई नहीं है, इसके लिए उबर ने जो है ना तुरंत ही भाई हम लोगों की सुनी। तो ऐसा सब लोग को लगता है कि मैं ड्राइवर की सुनता नहीं है कोई, तो भाई ऐसा नहीं है भाई, ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिला, तुरंत 200 रुपये रिफंड किए, और उसने बोला, मैंने उसको बोला कि मैं अभी है ना बार बार उसको कॉल करने वाला हूँ, और मेरा जो बचा हुआ अमाउंट है ना वो मैं वापस मांगने वाला हूँ, अगर वो वापस कॉल करता है तो। उसने क्या बोला कि आप निश्चिंत रहिए सर, आपके ऊपर ऐसी कोई भी
जो है ना आप डिफॉल्टर में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी इसमें गलती रही है। मैं उससे वही अमाउंट मांग रहा हूँ जो उसने मुझे बोला हुआ था कि मैं दूंगा करके, और बाद में अभी जो है ना वो थोड़े उसको ज़्यादा कीड़े आ रहे, नाटक कर रहे हैं अभी। तो अमाउंट तो मैं भूल ही गया हूँ, बट अभी उसने जो है ना परेशानी में लगाया मुझे, मेरा जो 2-4 घंटा भी वेस्ट किया है और उस दिन का भी 2-4 घंटा जो वेस्ट हुआ है वो अभी सब मैं वसूलूंगा। मैं उसको रात को दिन को कभी भी मैं कॉल करूंगा और परेशान करने वाला हूँ भाई। वो जो भी रहेगा वो बात की बात है, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लेना भाई। अभी ये मैं भी इसको जो है ना ये बंद करने वाला हूँ कि यार कस्टमर है ना इसकी सुननी पड़ती है, या फिर अपना बाद में देखते हैं, पहले इसको लेट हो रहा है ड्रॉप करो। ऐसा कभी भी होता है भाई, गाड़ी ख़राब करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, पहले भाई वॉशिंग सेंटर में गाड़ी जाएगी। आप जो भी फेयर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली उसको दो, गाड़ी क्लीन करवा के दो, उसके बाद ही आगे की बात करेंगे, आगे आपको ड्रॉप करूँगा। और इन फ्यूचर में कभी भी आप ऐसा कुछ भी इश्यू होता है सो आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जैसे फेयर अभी जैसे इसने वॉमिटिंग की गाड़ी में, या फिर गाड़ी आपकी कोई गंदी करके जाता है, सो क्या करना चाहिए। मैंने जो है ना क्यूआर पे पेमेंट लिया क्योंकि उसका पेमेंट क्यूआर पे था, बट ऐसा आप फ्यूचर में मत करना, या मैं भी ऐसी गलती की दोबारा नहीं करूँगा। जो फेयर है वही अमाउंट आप क्यूआर पे लो, बाकी का जो रेस्ट अमाउंट जो आपके जो गाड़ी गंदी की है उसके लिए जो चाहिए उसके लिए जो है ना उसे कैश अमाउंट लेना चाहिए, ताकि वो उसके पास प्रूफ ना रहे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा बंदे लोग गाड़ी ऊबर में चलाते रही या ओला में चलाती रही, हफ्ते में 2-3 ट्रिप कर ली, कभी कभार चलाते हैं, या फिर उनकी बहुत सारी कंप्लेंट आई हुई होती है पहले, तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर की बात सुन के आपका आईडी बंद हो सकता है। तो ये कस्टमर के पास प्रूफ मत छोड़ो कि उसने आपको 600 रुपये फेयर हो रहा था बट उसने आपको 800 रुपये दिए। सो मेरे केस में ऐसा हो गया, 600 रुपये फेयर था, उसने मुझे 800 भेजे, सो उबर को क्या लगा कि मैंने उससे जो है ना फेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे मांगे। तो ये चीज़ों में फंसो मत, जो भी फेयर है वो कैश में लेना चाहिए, गाड़ी ख़राब की है उसका वो हक का पैसा है, वो नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको बार बार कॉल करूंगा और दूसरे नंबर से करूंगा, भले उसने मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया हो, मैं दूसरे नंबर से कॉल करूंगा। फीडबैक तो मैंने मेरा रीसेट कर दिया वापस से, वो ट्रिप में जाके हेल्प में जाके फीडबैक में ना सारे नेगेटिव पॉइंट मैंने दे दिए, पूरा बहुत लंबा चौड़ा लिख के मैंने भेजा हुआ है उबर को, और ताकि वो दोबारा कॉल करें तो उन लोग को भी पता चले कि भाई ये इशू था, क्योंकि कस्टमर तो कभी बताएगा नहीं कि भाई ये इशू था, इसकी वजह से जो है ना मैंने एक्स्ट्रा फेयर दिया है। इतना अच्छा कस्टमर, वेल एजुकेटेड, मतलब अच्छे घर से, और वो इतनी छोटी हरकतें करते हैं भाई। ऐसा अगर कोई कस्टमर कर रहा है तो भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किसी का हक का पैसा, किसी की ईमानदारी का, मेहनत का पैसा आप जो है ना वो ऐसे करते हो, या फिर आपको ही बिठाना चाहिए किसी की गंदी गाड़ी में, तभी जाके आप लोगों को है ना ज़्यादातर गंदी गाड़ियाँ मिलती है, ऐसा करते हैं ना तभी। छोड़ो भाई इसके टॉपिक को ज़्यादा खींचते नहीं है, काला घोड़ा फोड़ जाता हूँ और फिर घूमता हूँ आजू बाजू में, थोड़ा माइंड फ्रेश करता हूँ। मेरा तो दिमाग घूम गया है सुबह से, कि मतलब मैं यार मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी कहाँ पे गलती हो गई यार, इतना अच्छे से मैंने ट्रीट किया और एंड में ऐसा कर रहा है। तो अभी से रूल इज़ रूल भाई। छोटी छोटी ट्रिप कंप्लीट करने की सोच रहा था तो उतने में एक आई 91 रुपीज़ मिला है 2.5 किलोमीटर का। अभी नरीमन पॉइंट पे हूँ मैं, ये देखो ऑलमोस्ट 3 बज गए, अभी यहाँ पे रुकता हूँ साइड में लगा के। भाई ये अपना JNPT रोड है, यहाँ पे गाड़ी पार्क की है भाई, कस्टमर को ड्रॉप किया वो सामने के साइड में, सब जो है ना वो सेक्टर नया बन रहा है, सेक्टर 5 है पुष्पक नगर का, यहाँ पे भी ये सब है ना बहुत डेवलप हो रहा है, तो एयरपोर्ट के पास का एरिया है ये। नरीमन पॉइंट पे मेरा बैठा ही था मैं कि उतने मेरा बुकिंग आ गई, सो उलवे लिखा था, सो ये सब एरिया जो है ना वो उलवे के अंडर ही आता है, सो उलवे लिखा था, मैंने बुकिंग उठाई, 1 घंटे में पहुंचा हूँ, 483 रुपीज़ दिया है। अभी यहाँ से कुछ 2.5-3 किलोमीटर ही है करण जाड़े पनवेल, वहाँ पे पहुँचने के बाद 4:30 तो ऑलमोस्ट बजने आए, तो 5 बजे के आसपास देखता हूँ वहाँ से, जैसे ही थोड़ा रेट अच्छा चालू होगा उसके बाद बुकिंग लूँगा कुछ तो। सेक्टर जो है ना ये है करण जाड़े, आगे एक फाटक आता है, फाटक क्रॉस करके सीधा मैं लेफ्ट साइड में चले जाऊंगा। ये है वो रेलवे फाटक क्रॉस करना है, रेंटल है 8 घंटे की, बस अभी इधर आगे जाके रुकता हूँ किधर तो लेफ्ट में। अरे भाई ये बुकिंग उठाई है मैंने और भाई ये ना
फाटक से ये साइड आया और ये साइड जाने के लिए भाई अभी फाटक क्लोज हो गया भाई। अभी ये ट्रेन कभी आएगी, कभी यहाँ से निकलूंगा? ऑलमोस्ट जो है ना ये बुकिंग शायद से पनवेल साई वर्ल्ड एम्पायर से है, साई वर्ल्ड एम्पायर है, साई वर्ल्ड सिटी से है। देखो ये भाई तो है ना साइकिल क्रॉस करके आ गया फाटक से, ये आ गई भाई ट्रेन, ये तो मालगाड़ी है। सो एक ये बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे भाई, ये वाले बम्पर जो होते हैं ना भाई बहुत ही डेंजर होते हैं। डिगा डिगा डिग 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 निकल चुका हूँ, फाटक हो चुका है ओपन और भाई ये रोड का नजारा तो क्या मस्त लग रहा है यार। और भाई 4:45 जो है ना वो मिली है मुझे रेंटल की ट्रिप, और ये रेंटल जो है ना ये 8 घंटे की, कस्टमर से बात हो चुकी है, मतलब ये रेंटल ट्रिप कंफर्म है। साउथ मुंबई जाना है, अभी इन्होंने एक स्टॉप डाला हुआ है जो कि यहाँ पे दिख रहा है कोलाबा कोजवे मार्केट। सो ये जाएंगे मार्केट में, गाड़ी में पार्क करूँगा कहीं पे, और आई थिंक सो 1 बजे तक अपने पास ये ट्रिप रहेगी। सुबह के 4 घंटे जो वेस्ट हुए थे ना वही 4 घंटे का यूज अभी यहाँ पे होगा। पहले जो है ना किसी और ने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद डायरेक्टली मुझे आई ऐप में। सो भाई मैं तो ऐसा जान में जान आ गया कि चलो भाई अच्छा खासा काम हो जाएगा रात तक। वैसे भी जो है ना अभी तक मतलब नॉर्मल सा काम हुआ है, सो ये ट्रिप कंप्लीट करने के बाद अच्छा हो जाएगा। शायद ये ट्रिप जल्दी भी ख़त्म हो सकती है और 100 किलोमीटर इसमें कवर है। सो बहुत मज़ा आने वाला है भाई रेंटल ट्रिप, गेटवे के आजू बाजू में घूमेंगे। ये है द साई वर्ल्ड सिटी भाई, ये उसका गेट है, अंदर आके राइट लेना है, द गेट इज हियर। 4 नंबर, 4 नंबर बिल्डिंग, 4 नंबर अंदर आके राइट बोले, एबीसीडी। हाँ साउथ बॉम्बे में मिलता हूँ, 1 घंटा भी नहीं लगा गाइस। ये देखो 5:49 ही हो रहा है और उनको ड्रॉप किया है कोलावा कोज़वे मार्केट में। वो मैंने बोला है सामने दिल्ली दरबार होटल है, वहाँ पे आप आ जाना, मुझे कॉल कर देना, मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, जो भी चार्जेस रहेगा वो पे करना पड़ेगा चार्जेस पार्किंग का। तो पार्किंग का ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे भी है, बट मैं यहाँ पे पार्क नहीं करूँगा, मैं करूँगा सामने भाई, पूरे समंदर के सामने गाड़ी पार्क करूँगा। यहाँ पे है पार्किंग अच्छा वाला, पूरा खाली लग रहा है भाई, वैसे भी वीकडे को जो है ना वो खाली रहता है। असली तो ये नजारा है भाई, पावती ले ली है मैंने और बोला है जाने के टाइम पे और एक पावती मिलेगी जिसमें अमाउंट नहीं करेगा, 1 घंटे का 100 रुपए, तो टेंशन नहीं है। कस्टमर से जो है ना वो पार्किंग का पैसा लेना है, तो एकदम मस्त पार्किंग कर दी है यहाँ पे। ड्रॉप किया मैंने कोलाबा कोज़वे मार्केट पे, वहाँ पे उन्होंने बोला मैंने कि सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, तो बोले लास्ट वीक ही हम लोग आए थे गेटवे ऑफ घूम के गए। सो अभी यहाँ से उनको जाना है सिर्फ नरीमन पॉइंट मरी ड्राइव पे, और शॉपिंग वगैरह हो जाएगी, कैसे वैसे में खाना खा लेंगे, फिर मरी ड्राइव जाएंगे, उसके बाद सीधा वापस पनवेल निकल जाएंगे। सो भाई पनवेल जाके सीधा मैं वहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर पर एम्प्टी, गाड़ी के पास रुकना ज़रूरी है नहीं क्योंकि पार्किंग है, तो टेंशन नहीं है भाई कि कोई लेके जाएगा या ये वो कुछ सब कुछ। तो थोड़ा आगे पीछे घूमता हूँ बट छाता नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए जो है ना मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि बारिश एक बार तेज़ हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, भीग जाऊँगा मैं पूरा। रियल स्ट्रगल, मेहनत कर रहा है भाई बंदा, लगता है ना भाई कि इजी है, इतनी हिम्मत चाहिए ना भाई ये काम के लिए, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है भाई इसके लिए। खतरनाक वाली बारिश चालू हो गई है, और बारिश जैसे ही चालू हुई ना भाई वैसे ही कस्टमर का कॉल आया, लियोपोल्ड कैफे के यहाँ पे खड़े हैं। अभी आ गए हैं हम लोग मरी ड्राइव पे, यहाँ पे ट्रेन पार्क है शायद, तो मैंने गाड़ी तो पार्क कर दी है भाई सामने। रात को तो पता नहीं भाई कुछ व्यू दिखेगा आप लोगों को कि नहीं, साउथ
10:30 ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को, और भाई देखो बिल कितना बना है भाई, 92 किलोमीटर ही गाड़ी चली है, 2040 रुपए इसमें मुझे मिला है, 5 घंटा 40 मिनट में ट्रिप एंड हो गई। ये ट्रिप थी 8 घंटे की, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मुझे घर पे जाते जाते ना 2:30 बज जाएंगे, सो भाई ये ट्रिप अपनी जो है ना टाइम से पहले ही एंड हो गई। गाड़ी जो चली है वो चली है 223 किलोमीटर, होप बिल्कुल भी जीरो थी, बट वही जगह पे जो है ना भाई, वो बोलते ना मन, अगर काम करने की इच्छा होती है ना मन में तो काम कहीं से भी मिलता है। तो 4 ट्रिप कंप्लीट की है, जो अटल सेतु तो हो गया, सीली हो गया। अगर आप रिटर्न जर्नी करते हैं तो आपका जो है ना रिटर्न का जो टोल होता है ना वो हाफ कटता है, जैसे कि रिटर्न का टोल जो 500 होता है वो 375 कटता है, तो एक टोल में जो है ना 125 रुपये बचता है। सो ऐसा मैंने ना अटल सेतु वाली 4 ट्रिप की है मैंने, तो प्लस 125, सो 250 रुपया वो हो गया, प्लस 3,300 ये हो गया, 3,550 रुपीस का जो है ना वो टोटल काम हुआ है आज का, मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था, क्योंकि 5-5.5 घंटा टोटल जो है ना मेरा वो वेस्ट ही हुआ है, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही बैठा था, या तो मैं कस्टमर केयर में कॉल कर रहा था, या तो मैं जो है ना वो CNG की लाइन में था, CNG पंप बंद हो गया, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हुए आज, बट एंड जो है ना वो काफ़ी अच्छा हुआ। शुरुआत में मैंने बताया था कि भाई शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है, सो एंड भी जो है ना उसका बहुत ही अच्छा हुआ। CNG अभी मैंने आते आते कलम बोली से फिल करवाया, 600 रुपये का CNG गया, क्योंकि आज मैं अटल सेतु से ही ज़्यादा मैंने ट्रैवलिंग की है, सो एवरेज गाड़ी ने बहुत ही अच्छी दी है, 2,950 रुपये का मतलब टोटल प्रॉफिट किया है। ज़्यादा लंबा खींचते रहिए भाई, बहुत ही ज़्यादा लंबा ये ब्लॉग हो गया है, प्लीज़ यहाँ तक देखा है भाई थैंक यू दिल से, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।